नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 8:39 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:05 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैद्यत योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 10:09 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग कल यानी कि 5 मई की शाम 5:43 से अगली सुबह 5:22 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वासिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग कल यानी 5 मई की सुबह 5:22 से शाम 7:58 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 मई की सुबह 5:37 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 10:26 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:46 से दोपहर बाद 3:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 मई की सुबह 5:34 से सुबह 7:52 तक, और एक बार फिर सुबह 10:06 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 मई की दोपहर 12:25 से शाम 5:30 तक, और एक बार फिर शाम 7:50 से देर रात 1:55 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 मई की दोपहर 1:33 से दोपहर 2:48 तक, और एक बार फिर शाम 5:04 से शाम 7:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 मई की दोपहर पहले 11:55 से दोपहर 2:41 तक, और एक बार फिर शाम 7:20 से देर रात 1:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 मई की सुबह 10:47 से दोपहर 2:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 7 मई की रात 8:24 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक इसका कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 8:58 से 10:38 तक, मुंबई सुबह 9:22 से 10:59 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:58 से 10:38 तक, लखनऊ सुबह 8:45 से 10:24 तक, भोपाल सुबह 9:01 से सुबह 10:39 तक, कोलकाता सुबह 8:18 से 9:55 तक, अहमदाबाद सुबह 9:20 से 10:58 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:57 से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। आपके आसपास के कुछ लोग आपके विरोधी भी बन सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। आज आपको योजना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वो आज दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। विदेश जाने की इच्छा रख रहे लोगों को कोई अच्छा मौका मिल सकता है। आज आप अपने धन का सही इस्तेमाल करें, अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चलें, तभी आप भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने पर विचार कर सकते हैं। जीवन साथी आज प्रसन्न होने की वजह देंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आज थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थान पर बिताएंगे। आज शाम को माता जी से अपने भविष्य को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आपको माता जी का साथ मिलने से खुशी होगी। आज आपके मन में कोई बात चलेगी जिससे आपको उलझन महसूस हो सकती है। आज सकारात्मक सोच के साथ कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज आप कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप अपनी संतान के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। घर के अन्य सदस्यों के साथ भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। व्यापारी वर्ग को नए ऑर्डर मिलेंगे। काम बढ़िया चलेगा जिससे अधिक लाभ होगा। कार्यस्थल पर आप सकारात्मक माहौल में काम करेंगे। आज अपनी वाणी में मधुरता रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आएगी जिसे आप पूरा करेंगे। माता पिता से आप अपने मन की बात को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखें। फ्यूचर की किसी योजना के लिए बजट का ध्यान रखेंगे। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आज आपका पुराना मित्र आपसे मिलने आएगा, जिनसे मिलकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपने पहले कोई निवेश किया है तो उसका भी पूरा लाभ मिलेगा।
आज आप कोई कंप्यूटर कोर्स सीखने का मन बनाएंगे, जमीन से जुड़े किसी मामले में कोर्ट का फैसला आज आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज आपको बेकार की उलझन में पड़ने से बचने की ज़रूरत भी है। जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बाहर का तला भुना खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जीवन साथी के सहयोग से आज घर के रुके कार्य पूरे होंगे। आज ऑफिस के कार्य से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। जीवन साथी से किसी काम को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आज आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम करने के तरीके में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो आपके काम जल्दी निपटेंगे। आज आप संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी और जानकार की मदद से सुलझा लेंगे। आज किसी काम में जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। वकालत कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी बड़े वकील से मिलने का मौका मिलेगा। आज लवमेट से उपहार मिलेगा जिससे पूरे दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। दिनचर्या में टहलना शामिल करेंगे जिससे आप अपने आपको काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई पुराना मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। आप उसे निराश नहीं करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करेंगे। आज आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। घर से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने की ज़रूरत है। कोई प्रेरणादायी पुस्तक पढ़ना या फिल्म देखना आज के लिए बढ़िया रहेगा। छात्रों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत जीवन साथी से कर सकते हैं। आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोचेंगे। संतान के बेहतर भविष्य के लिए आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन शाम का समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। किसी बचपन के मित्र से बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी। यदि आपने बचत संबंधी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाया तो आप भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। अपने खाने में फ्रूट्स शामिल करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी में जल अर्पित करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी न्यायिक मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा।
मूलांक दो, जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, रिश्ते में मिठास आएगी। मूलांक तीन, आज आपको नौकरी या व्यावसायिक सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, आपकी यात्रा शुभ फलदायी रहेगी। मूलांक चार, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी, किसी उत्सव या प्रोग्राम का आयोजन भी हो सकता है। मूलांक पाँच, आज आपका दिन बेहतर रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। मूलांक छः, सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। मूलांक सात, जीवन साथी की सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया मिलेगा। मूलांक आठ, करियर में भी आपको अपने गुरु का सहयोग मिलेगा, आप जीवन में कुछ नया करने के लिए सक्षम होंगे। मूलांक नौ, आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्वमुखी भवन में पूर्वी और उत्तरी दिशा के हिस्से के खाली होने के बारे में। अगर आपका मकान पूर्वमुखी है और घर का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा खाली है, तो उत्तर पूर्व दिशा के मध्य भाग यानी ईशान कोण में बालकनी या गैलरी बनानी चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा अन्य हिस्सों की तुलना में खाली रखना चाहिए, लेकिन ईशान कोण में बालकनी बनाने की योजना से आपको दो फायदे होंगे। एक तो उत्तर और पूर्व दिशा का हिस्सा खाली भी रह जाएगा और काम में भी आ जाएगा, साथ ही इससे आपकी संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी। इसके अलावा पूर्वमुखी भवन में द्वार बनाने की बात करें तो मुख्य द्वार के साथ साथ अन्य द्वार भी पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले होने चाहिए, ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा पूर्वमुखी भवन में पूर्वी और उत्तरी दिशा के हिस्से के खाली होने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 8:39 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:05 तक इंद्रयोग रहेगा, इसके बाद वैधित योग लग जाएगा। इंद्रयोग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। वहीं अगर वैधित योग की बात करें तो ये योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि आप कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:09 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है, यानी कुंभ और मीन राशियों और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते, साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो बता दूं कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को पूरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार, आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की सफलता सुनिश्चित होगी। आपको याद दिला दूँ कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद नक्षत्र 3रा पंचक है।
इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 6 मई की शाम 5:44 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी इंद्रयोग, वैधित योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले बरूथनी एकादशी व्रत के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है और आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। बता दूं कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। बरूथनी एकादशी का ये व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। लिहाजा आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके आप कैसे जीवन के हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बनाए रख सकते हैं, साथ ही जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने परिवार के सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए, अपनी संतान की शादी के लिए ऑफिस में स्थित आपके फेवर में करने के लिए, ऑफिस में जो भी स्थिति है उसे आपके फेवर में, और अपने जीवन साथी की लाइफ को खुशियों से भर देने के लिए। आज बरूथनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको बरूथनी एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश न पढ़ पाएं तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे और अपने कार्यों को भी मजबूती के साथ पूरा करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्त शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भर कर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी नहीं बन रही है। आज के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी अनबन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आज आपको एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो आज आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पहले मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय, फिर फूल चढ़ाया। इसी प्रकार सारे फूल चढ़ा देने हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स अभी अभी बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और आगे करियर के बारे में
कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में हो रहे बार बार नुकसान से छुटकारा मिलेगा और आपका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें, फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम चावल और पुष्प अर्पित करें, फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। आज इस प्रकार शंख की स्थापना करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन 1 5 ऊंची रुद्राक्ष, 1 साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार का सुख सौभाग्य बना रहेगा। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गले में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप शनिदेव के इस विशेष मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 21 बार जप करें और जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना न भूलें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज इंद्र योग, वैद्यत योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और बरूथनी एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बी, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मन बनाएंगे। सी, आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा, बाहर के खान पान से परहेज करें। डी, आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आपके मन को काफ़ी सुकून मिलेगा। ई, नया कोर्स करने की इच्छा मन में आ सकती है, आज पिताजी से इस विषय में बात करेंगे। एफ, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आपको कामकाज की वजह से थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। जी, कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी जो काम करने के नए तरीकों से अवगत कराएंगे। एच, आज परिवार के साथ घूमने जाने का मन बनाएंगे, यात्रा सुखदायी होगी। आई, आज रुपए का खर्च सोच समझ कर करें, क्रेडिट कार्ड से फालतू शॉपिंग करने पर भी रोक लगाएं। जे, विद्यार्थी आज अपने प्रोजेक्ट सहयोगियों की मदद से पूरा कर लेंगे। के, किसी खास कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। एल,
आपके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, जिन कार्यों की शुरुआत करेंगे उसे पूरा कर लेंगे। एम, घर पर किसी करीबी रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार आ सकता है, उनके आने से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। एन, आज मित्रों के सहयोग से आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। ओ, आज का दिन नए व्यापार की रूपरेखा बनाने के लिए उत्तम है, किसी अनुभवी की सलाह मिलेगी। पी, छात्रों को आज थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, ये मेहनत आपको उत्तम परिणाम देगी। क्यू, बिजनेस के लिए कुछ नई प्लानिंग करेंगे जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। आर, आज आप पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, काम में कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। एस, व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। टी, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे हैं तो आज आप किसी डीलर से मुलाकात करेंगे। यू, पहले कहीं निवेश किए हुए पैसों का आज अच्छा लाभ मिलेगा। वी, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, साथ ही आय के नए स्रोत मिलेंगे। डब्ल्यू, नए व्यापार की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, परिवार की हर संभव मदद आपको मिलेगी। एक्स, अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे सामर्थ्य के अनुसार निभाने का प्रयास करेंगे। वाई, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी काम में कम मेहनत से अधिक फायदा होगा। जेड, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के बेलगाम। यहाँ सिरसंगी नामक स्थान पर स्थित है श्री संगी कालिका मंदिर। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है। यह कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कई पौराणिक कथाओं में वर्णित होने के कारण इस मंदिर का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि यह स्थान ऋषि संगी की तपोभूमि रहा है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि संगी की तपस्या भंग करने वाले कुछ राक्षसों का माँ कालिका ने संहार किया था, तभी से यहाँ माँ कालिका का ये मंदिर है। वैसे वर्तमान मंदिर परिसर को लगभग 2000 साल पुरातन बताया जाता है, तो आप भी कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लाल रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके आचार विचार के बारे में। लाल रंग की हथेली वाले लोग अपने जीवन में समस्त ऐश्वर्य को भोगते हैं, इन्हें नाना प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। लाल रंग की हथेली वाले लोग प्रचुर धन के स्वामी होते हैं, यानी इनकी आर्थिक स्थिति शानदार रहती है। लेकिन वहीं अगर लाल रंग के हथेली वाले लोगों के स्वभाव के बारे में बात करें तो ये थोड़े भावुक और क्रोधी होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। ये लोग वैचारिक रूप से भी अस्थिर होते हैं, यानी विचारों के मामले में ये लोग ज़्यादा सटीक नहीं होते। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा लाल रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन करना निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 8:39 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:42 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।